हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज से हम कलर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब देख तो हर कोई कलर करवाना पसंद करता है, चाहे वो ग्रे कवरेज के लिए हो, वाइट बालों को कवर करवाने के लिए हो, कुछ लोग पर्सनैलिटी के लिए यूज़ करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए। और इसको आप जब भी सीख सकते हो जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। इसलिए हम बेसिक से वीडियो लेकर आए हैं और एडवांस तक जाएंगे, हर एक कंपनी के बारे में आपको बताएंगे, मैक्ट्रिस, स्कोस्कोप, स्टिक्स, हर एक कंपनी की अंदर तक की आपको जानकारी देंगे। डेली हमारी एक वीडियो आएगी, उसको आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, जो भी डाउट है उसको लिखना है। अगले दिन जूम ऐप पे हम फेस टू फेस आपके डाउट को क्लियर करेंगे। इसलिए डेली जो वीडियो आ रही है उसको जरूर देखें, बेल आइकन को दबा के रखना, एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। और भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हे कलर है क्या। जब लाइट एक ही पर्टिकुलर सरफेस पे पड़ती है तो कुछ कलर रिफ्लेक्ट होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। चलो इसको हम डीपली समझते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इस मॉड्यूल में आप देख रहे हो जब वाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उनके साथ कुछ कलर भी नज़र आ रहे हैं। इन कलर को आप सिर्फ प्रिज्म की हेल्प से या फिर आप कोई ग्लास की हेल्प से ही देख सकते हो। चलो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसको प्रैक्टिकली करके देखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रिज्म की, वाइट शीट एंड कार्डबोर्ड जिसके सेंटर में होल है। कार्डबोर्ड की पोजीशन हमारी विंडो के सामने होगी, जहां से सनलाइट डायरेक्ट होल से रिफ्लेक्ट होगी। कार्डबोर्ड से आगे रखा हमने प्रिज्म को, जो कि लाइट कार्डबोर्ड से होती हुई सीधा प्रिज्म से क्रॉस होगी। एंड लास्ट प्रिज्म के सामने रखा हमने वाइट बोर्ड को। अब आप देख रहे हो जब सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रिज्म से क्रॉस होती हुई व्हाइट बोर्ड पे जा रही है, तो आपको कुछ कलर नज़र आते हैं। जो ये कलर होता है, ये 7 कलर होते हैं, रेनबो वाले कलर जो होते हैं हमारे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको हम विब ग्रोव भी कहते हैं। अब आप सोच रहे हो जब लाइट के साथ कलर गिरते हैं एक सरफेस पे तो वो दिखते क्यों नहीं है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एप्पल को। अगर एप्पल पर ये 7 कलर गिरते हैं तो हमको एप्पल रेड क्यों नज़र आता है, ये 7 कलर एप्पल में क्यों नहीं नज़र आते। तो हमको वो इसलिए नहीं नज़र आते हैं, हमारे हर एक सरफेस के अंदर 3 पिगमेंट होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ये हर एक सरफेस के अंदर होते हैं, चाहे एप्पल को समझ लो या फिर अपने हेयर को समझ लो, हर एक सरफेस के अंदर हमारे क्या होंगे, ये 3 पिगमेंट होते हैं। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है एक सरफेस पे तो ये जो 3 पिगमेंट होते हैं ये डिसाइड करते हैं कौन से कलर को एब्जॉर्ब करना है एंड कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करना है। जौन से कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, जौन से कलर को ये रिफ्लेक्ट करते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो अभी भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा, जो ये 7 कलर होते हैं रेनबो वाले, ये सिर्फ प्रिज्म की हेल्प से या फिर ग्लास की हेल्प से ही हमें क्यों दिखाई देते हैं, या हमें वैसे क्यों नहीं नज़र आते। चलो इसको भी हम प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। हमने सर्कुलर कार्डबोर्ड डिश लिया है जो 10 सेंटीमीटर डायमीटर की है। इसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसमें अब हम जो रेनबो वाले कलर है उसको फिल कर लेंगे। इसके बिल्कुल सेंटर में हम स्मॉल होल करेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे पेन को। अब जब आप रोटेट करोगे डिश को तो फिर न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा। जो हमारे रेनबो वाले कलर होते हैं 7, जब ये मिक्स होते हैं तो न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाते हैं। अब तो समझ आ गया होगा, जब वो लाइट्स के साथ ऊपर से गिरते हैं तो वो मिक्स होके गिरते हैं जो न्यूट्रन होते हैं। हाँ जी, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, जब लाइट के साथ कुछ कलर गिरते हैं रेनबो वाले, वो एक सरफेस पे गिरते हैं, कोई भी सरफेस मान लो, उसके अंदर पिगमेंट होते हैं रेड, येलो, ब्लू, जो हमारे कलर होते हैं रेनबो वाले, वो हमारे कलर एक सरफेस पे गिरते हैं तो सरफेस कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेता है जो हमें दिखाई नहीं देता, कुछ कलर रिफ्लेक्ट करता है जो हमें दिखाई देता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कलर व्हील पे चलते हैं। ये जो हमारी कलर की थ्योरी है ये डॉक्टर ओस्टवाल्ड ने बनाई थी 1916 में। ये जर्मनी के रहने वाले थे और इनकी डेथ 1932 में हो गई थी। और जो हमारी कलर व्हील होती है वो इस तरह की होती है, सिर्फ हम 3 कलर से ये सारे कलर बनाने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी कलर जो होता है रेड, येलो एंड ब्लू। ये हमारे गॉड मेड कलर होते हैं, इनको आप बनाना भी चाहोगे जब भी नहीं बना पाओगे। इन 3 कलर से आप बाकी के सारे कलर बनाने वाले हो। और ये जो 3 कलर होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हर एक सरफेस में होते हैं, आपके बालों के अंदर भी है, हर एक सरफेस के अंदर है, क्योंकि ये गॉड मेड कलर होते हैं।
अब इन तीन से बनाएंगे हम सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर को बनाने के लिए हमें टू प्राइमरी कलर की जरूरत पड़ती है। टू प्राइमरी कलर को आपस में मिक्स करके हम सेकेंडरी कलर बनाते हैं, जैसे रेड प्लस ब्लू वॉयलेट, ब्लू प्लस येलो ग्रीन, रेड प्लस येलो ऑरेंज। जब आप प्राइमरी कलर को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे तो आपका सेकेंडरी कलर बनता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी कलर से हम टेक्सचरी कलर बनाएंगे। टेक्सचरी कलर बनाने के लिए आपको एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर की जरूरत पड़ती है। जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो आपका टेक्सचरी कलर बनता है। चलो हम टर्सरी कलर को ऊपर से स्टार्ट करते हैं बनाना। एक लेंगे हम प्राइमरी कलर जो येलो है, एक लेंगे हम सेकेंडरी कलर जो है ग्रीन। हम येलो और ग्रीन को मिक्स करेंगे, क्या बनेगा हमारा? येलो ग्रीन। येलो ग्रीन बनेगा, ग्रीन येलो नहीं बनेगा। प्राइमरी कलर को हम सबसे आगे रखेंगे, फिर रखेंगे सेकेंडरी कलर को। अब हम इसी येलो को मिक्स करेंगे दूसरे सेकेंडरी से जो है हमारा ऑरेंज। येलो को और ऑरेंज को हम मिक्स करेंगे, क्या बनेगा हमारा? येलो ऑरेंज। ओके, समझ आ गया ना? हमने एक येलो से पहले ग्रीन से बनाया और फिर उसी येलो से हमने ऑरेंज से बनाया। अब हम बनाएंगे रेड कलर को, आपस में मिक्स करेंगे। हमने एक लिया प्राइमरी कलर जो हमारा रेड, और लिया एक सेकेंडरी कलर जो हमारा ऑरेंज। अब रेड और ऑरेंज को मिक्स करेंगे, हमारा क्या बनेगा? रेड ऑरेंज। अब इसी रेड कलर को हम दूसरे सेकेंडरी कलर से मिक्स करेंगे जो है वॉलेट। रेड और वॉलेट को मिक्स करके क्या बनेगा हमारा? रेड वॉलेट। अब हम लास्ट प्राइमरी कलर लेंगे जो है हमारा ब्लू। हमने येलो से ही बना लिया, रेड से ही बना लिया, अब बनाएंगे हम ब्लू से। ब्लू को हम ग्रीन से अगर मिक्स करेंगे जो हमारा ग्रीन सेकेंडरी कलर, तो हमारा क्या बनेगा? ब्लू ग्रीन। और इसी ब्लू से हम दूसरा जो हमारा सेकेंडरी कलर है वॉलेट, इसको मिक्स करेंगे, हमारा क्या बनेगा? ब्लू वॉलेट। टेक्सचरी कलर भी आपको उम्मीद है बनाना आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वार्म कलर और कूल कलर के बारे में। हमने इसी कलर व्हील को बीच में से हाफ कर लिया। लेफ्ट वाली साइड है आपका वार्म कलर और राइट वाला साइड है आपका कूल कलर। वार्म कलर में आ जाते हैं आपके सन वाले कलर, जैसे रेड, ऑरेंज एंड येलो। ये कलर दूर से ही चुभते हैं, ये मतलब आंखों में बहुत ज़्यादा चुभते हैं। कूल कलर नाम से पता लग रहा है, कूल कलर। कूल कलर में आ जाते हैं जो आपकी आंखों को रिलैक्स देता है, जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया और वॉलेट हो गया। ये हमारे कूल कलर। इन वार्म कलर और कूल कलर को आपस में मिक्स करके बनता है हमारा न्यूट्रन, जिसको कलर करेक्शन भी कह देते हैं, कलर कटिंग भी कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कह देते हैं। हमारा जो प्राइमरी कलर है उसके अपोजिट साइड जो सेकेंडरी कलर है उसको आपस में कट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑरेंज टोन है उसको कम करनी है, उसकी जो उनकी वाइब्रेंसी है वो आपको कम करनी है, तो उसको कौन कम करेगा? ब्लू कलर, उसके जो उनसे अपोजिट साइड है। ऐसी अगर रेड कलर है, रेड कलर ज़्यादा है, ठीक है, उसकी जो उनकी वाइब्रेंसी है उसको कम करनी है, तो उसके अपोजिट साइड कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन क्या करेगा? रेड की वाइब्रेंसी कम कर देगा। लास्ट रहेगा हमारा येलो। येलो की अगर वाइब्रेंसी कम करनी है तो फिर उसके अपोजिट साइड क्या है हमारा? वॉलेट। वॉलेट हमारा येलो को न्यूट्रन पे लाएगा। ये कलर कटिंग आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि जो हमारी अंडर कोट होती है बालों की, इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारी अंडर कोट होती है, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, इसको आप कटिंग करके ही बालों में कलर दोगे, इसलिए इसको माइंड में अच्छे से फिट कर लेना, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके। इसके बिना आप बालों में कलर नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। चलो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको कलर की डेफिनेशन और कलर व्हील आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी आपके डाउट हो गए वो हम जूम ऐप पे तो क्लियर कर ही लेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी ये वीडियो। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। अभी के लिए बाय, टेक केयर।